इस प्लेटफॉर्म में जो मैं पहुंचा हूं, डॉक्टर भानु प्रताप जी की द्वारा मैं पहुंचा हूं और डॉक्टर विजय की द्वारा मैं इस प्लेटफॉर्म में पहुंचा हूं, मुझे खुशी है कि मैं अपनी बात को मैं अपनी लोगों की बात को मैं लोगों के सामने रखूं। आज तक किसी भी बहुजन समाज या किसी भी दलित समाज, कितनी मतलब संगठन आए, कितनी पॉलिटिकल पार्टी आया, लेकिन आज तक किसी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, किसी ट्राइबल के बारे में किसी ने कभी ख्याल नहीं किया, किसी ने कोई केयर टेक नहीं किया। मैं इसी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो भारत की जो एक अभिन्न अंग है, तो इनके भी आवाज़ सुने। मुझे भानु प्रताप जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मुझे सुविधा दिया कि मुझे अपने बात कहने की, अपनी लोगों की, ट्राइबल मणिपुर असम मिजोरम लोग, उनको पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ या मैं किसी किस देश में हूँ, इनको पता नहीं है। उड़ीसा में जो ट्राइबल है खाने, उनको पता नहीं है मैं कौन सा देश में हूँ। जो इस चीज़ को मैं कहने के लिए मैं, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जो प्लेटफॉर्म जो है ये श्री भानु प्रताप जी ने मुझे दिया है, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को, मैं इस दुनिया के हर नागरिक को बताना चाहता हूँ कि किस ट्राइबल के भी किसी बात सुने। आज तक जो बहुजन समाज पार्टी आया, कौन सा पार्टी आया मुझे नहीं पता। महाराष्ट्र में भी कई पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने कभी जो है, यस जो पार्टी जो आया है वो यूपी सेंट्रिक रह गया, यूपी से हट करके कहीं गया नहीं है कोई भी। बहुजन समाज पार्टी ने भी कितने, कम से कम 30 साल राज किया है, 30 साल की एग्जिस्टिंग है, बट उनको यूपी और मध्य प्रदेश छोड़ करके किसी भी राष्ट्र में, किसी भी स्टेट में कभी गया नहीं है। तो यानी कि जो है, मैं चाहता हूँ कि जो किसी भी जो बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी दलित पार्टी हो, अब नॉर्थ ईस्ट में भी आए, नॉर्थ ईस्ट के भी जो आपके ही भाई है भाई, आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 75-80% है नॉर्थ ईस्ट में। आज तक किसी को पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान की हिस्सा है कि नहीं, किया इग्नोर किया जाता है। हम हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के लोग जो देखते हैं हिंदुस्तान की दिल्ली की तरफ, भाई हमको भी कोई ले साथ में चलें। तो मैं इस माध्यम से जो है, मैं डॉक्टर विजय और RJSP ने हमें जो है इसकी प्लेटफॉर्म दी है, मैं भानु प्रताप जी का मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं किशन पाल जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मुझे एक लक्ष्य भी दिया, मुझे चैलेंज दिया, मुझे काम करने के, मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो SC समाज से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं SP से, कौन से समाज से? ट्राइबल समाज से मैं कहना चाहता हूँ, अब आइए हिंदुस्तान की जो मुख्य अंग से, मुख्य धारा से जोड़िए, क्योंकि असम मणिपुर नागालैंड वहाँ उस इस एरिया में जो है लोग जो है हिंदुस्तान की अंग से कटने के, यानी कि जो है उनकी जो समस्या जो बहुत ज़्यादा है, तो वो समझें, आए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को शेयर करें, इस प्लेटफॉर्म में आकर के बताएं सबको भाई आपकी समस्या क्या है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर आकर के मुझे कुछ कहना है, अपनी मस्त में रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं असली जो मूल निवासी जो है, जो उनको पता नहीं है मैंने क्या करना है, कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी राजनेता ने उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति खेली लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति के अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। नोट इसमें सिर्फ वोट की बटन दबाना चाहिए, आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये है। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर भानु प्रताप जी, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिए हैं मुझे, मेरे को ये ट्राइबल और शेड्यूल का जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के, असम मणिपुर नागालैंड मिजोरम के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मेरे को ये सौभाग्य दिया, जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी को मैं 100% निभाने की कोशिश करूँगा, ड्यूटी करना मेरा फर्ज है, आई एम ए सोल्जर ऑफ दिस पार्टी। थैंक यू।